गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो लास्ट लेक्चर हमने जो एक्सरसाइज मैट्रिसेस स्टार्ट किया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमने लिया है। अभी लास्ट सेशन में अभी टू और फोर में क्वेश्चन आ रहे हैं। सो अभी यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट है 2.3 का। सो हियर सो इट इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड लेक्चर नंबर इज 20। ओके सो मैट्रिसेस पे लेक्चर नंबर 20 चल रहा है यहाँ पे। सो देखो अभी क्या है। सो फाइंड के का वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पे हमें। और दे आर गिवन गिवन अ सिंगल मैट्रिक्स, इट इज ऑर्डर इज 2x2। ओके एंड दे आर गिविंग अस वन कंडीशन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2KA-2i। ओके चलो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, ए स्क्वायर यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो अभी देखते हैं क्या है यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर, ओके ए स्क्वायर। अभी यहाँ पे ए स्क्वायर मीन्स क्या होता है, ए इंटू ए होता है, जिसका मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास उसे हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 times लिखेंगे। कितना टाइम्स, 2 times। ओके चलो वंस अगेन 3-2, 4-2 लिखा है यहाँ पे। चलो अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम थिंक अबाउट दैट। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 3 into 3 क्या आता है यहाँ पे 9, -2 into 4 क्या आता है -8। यूज अ ब्रैकेट, इट इज योर मैट्रिक्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 into -2 -6 +2 into -2 +4। ओके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अभी यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे देखना हमें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 into 3 12 देन +2 into 4 -8। ओके सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 into -2 -8 देन +2 into -2 +4। ओके सो व्हाट इज द फाइनल आंसर हियर, 9-8 क्या आएगा यहाँ पे 1-6 4-2, 12-8 क्या आता है 4, 8-4 हियर इज -4। इट इज अ वैल्यू इज ए स्क्वायर का ये वैल्यू है। चलो अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, ए कैलकुलेट करना है। चलो सो के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो अब देखो क्या है हमारे पास। सो सॉरी इट इज ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू KA-2i। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 form में अवेलेबल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इट इज एक यहाँ पे 2x2 फॉर्मेट और 3x3 फॉर्मेट आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो अभी देखते भी क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके चलो यहाँ पे सो ए स्क्वायर का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया है, व्हाट विल 1-2 and 4-4। ओके चलो इज इक्वल टू, ओके उसके बाद के ए, के फाइंड आउट करना है। ए मैट्रिक्स तो हमारे पास अवेलेबल है 3-2 and 4-2, इट इज अ ए मैट्रिक्स -2। एंड आई मीन्स आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, जो कि 2x2 फॉर्मेट क्या होता है 1-0 and 0-1। ओके चलो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा। सो यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो मैट्रिक्स है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो मैट्रिक्स के बाहर एक नंबर है, इट इज अ कॉन्स्टेंट नंबर वेरिएबल ऑल्सो के, जो नंबर और वेरिएबल है जो इसे क्या करना पड़ेगा, हर एलिमेंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। सेम प्रोसीजर यहाँ पे 2 जो नंबर है कॉन्स्टेंट नंबर, इसे हम स्केलर नंबर बोल सकते हैं, ए नंबर से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। सो 1-2 4-4, ओके देन इज इक्वल टू K into 3 3K। ओके सॉरी नेक्स्ट K into -2 -2K, K into 4 4K, K into -2 -2K। ओके सो नेक्स्ट वन, सो -2 into 1 2 0 0 and 2। ओके चलो अभी यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमें मिला है, तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, ए 2x2 मैट्रिक्स है, ए भी 2x2 मैट्रिक्स है। तो अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यदि यहाँ पे मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम है तो हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन इजीली कर सकते हैं। सो यहाँ पे 3K-2, सो आई एम राइटिंग हियर 3K-2, देन -2K-0 मींस क्या आएगा यहाँ पे -2K ही आएगा। ओके -0 लिख के कुछ फायदा यहाँ पे, कुछ भी नहीं। ओके देन आफ्टर दैट 4K-0 मींस 4K एंड देन -2K-2, सो दैट इज द आंसर। ओके चलो अभी यहाँ पे जो गिवन मैट्रिक्स हमारा 1-2 4-4। ओके अभी यहाँ देखो के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, यहाँ पे 2x2 ए भी क्या है 2x2 फॉर्मेट में है। यदि इन दोनों का
ऑर्डर 2x2 फॉर्मेट होता है तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके चलो अभी कंपेयर करेंगे यहाँ पे। ओके चलो, सो 2x2 है, सो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग हियर 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 3k-2, 3k-2 लिया फर्स्ट वन। चलो इसको रिकैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, सो माइनस टू लेफ्ट में आके क्या होता है, +2 इज इक्वल टू व्हाट, 3k, 1 + 2 इज 3 इज इक्वल टू 3k, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे। सो फाइनली व्हाट विल द आंसर, 3 के आंसर इज इज अ 1। सो यहाँ पे के का वैल्यू क्या आया है, 1 आया है। ओके सो इस प्रकार जो बाकी के 3 नंबर्स है, जो वेरिएबल्स है के, इसका भी आंसर 1 आएगा। यदि वहां पे उसका आंसर आपका 1 नहीं आता होगा तो इसका मतलब आप कहां, तो आपका कैलकुलेशन करते में कुछ तो गलत हुआ है। ओके चलो देखो अभी नेक्स्ट वन, ये तो होगा फर्स्ट वन, आई एम टेकिंग अ सेकंड वन। सो इस पोजिशन में यहाँ पे कौन है हमारे पास, -2 इज इक्वल टू यहाँ पे सेम लोकेशन पे -2k। अभी देखो -2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है k के साथ, वो एज इट इज वहां पे डिवाइड में चला जाएगा। सो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, 2 आल्सो कैंसिल, सो व्हाट विल रिमेन हियर, 1। ओके चलो अभी देखो थर्ड वन, एक क्या कंपेयर करेंगे। सो सेम लोकेशन पे यहाँ कौन सा नंबर है, 4 इक्वल टू सेम इट इज अ 4k, दैट 4 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे, 4 गेट कैंसल, सो व्हाट विल रिमेन, 1। ओके सो चलो आखिरी पार्ट, यहाँ पे लास्ट कौन है, यहाँ पे -4, ओके देन इक्वल टू -2k-2, देन -4 एज इट इज, -2 लेफ्ट में क्या होता है, +2 हो जाएगा -2k, -4 + 2 -2 -2k। अभी यहाँ पे आप देखो -2k के साथ मल्टीप्लाई में है। ओके आप देख समझो कौन सा ही वेरिएबल होगा उसके साथ नंबर होता है विथ माइनस, तो एज इट इज वो मल्टीप्लाई में है, वो क्या होता है लेफ्ट पे डिवाइड में चला जाएगा विथ साइन मींस मल्टीप्लाई के साथ। सो -2 मल्टीप्लाई में है, वो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। सो व्हाट विल द फाइनल वन, 2 गेट कैंसल, व्हाट विल रिमेन, 1। सो यहाँ पे के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ओके अभी यहाँ पे आप चारों में से एक भी कैलकुलेट किया हुआ होगा तो मार्क्स मिलता है। ओके सो के का वैल्यू फाइंड आउट करना था तो 100% हर के का वैल्यू सेम आता है। ओके क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ये आपको देखना पड़ेगा। ओके चलो सो इट इज अ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इस प्रकार हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके चलो सो अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ओके सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, चलो अभी देखेंगे यहाँ पे। ओके ओके सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। सो व्हाट द क्वेश्चन नंबर 13 सेड दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई का वैल्यू, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके एक्स एंड वाई का वैल्यू, सो एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है। सो दे आर गिविंग अस अ बिग कर्ली ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट के बीच में 2 मैट्रेसेस है, ऑर्डर 2x3 2x3, और यहाँ पे एक मैट्रेसेस दिया है वो 3x1 का मैट्रिक्स है। तो ये पूरा जो मैट्रिक्स दिया है उसे हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करके देखना। ओके सो यहाँ पे देखो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, हमें कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के बीच में 2 गिवन डिफरेंट मैट्रिसेस है, जो दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का रूल यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। सो बिफोर सब्सट्रैक्शन ये जो मैट्रिक्स है उसके मैट्रिक्स के बाहर एक नंबर है, इट इज अ कॉन्स्टेंट नंबर एंड इसे हम स्केलर नंबर कह सकते हैं, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रूल के हिसाब से जो नंबर है ये नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है 6 एलिमेंट्स, और सभी एलिमेंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल 4 × 2 = 8, 4 × -1 −4, 4 × 3 क्या आएगा यहाँ पे 12, 4 × 1 = 4, 4 × 0 = 4 एंड 4 × 2 व्हाट विल 8। ओके देन माइनस वन सेकेंड यहाँ पे 3 − 3 = 4 2 1 and 1। ओके इट्स कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सो व्हाट विल हियर 2 − 1 = 1। ओके चलो अभी क्या है यहाँ पे देखेंगे एक्स एंड वाई। ओके अभी देखो क्या है, अभी यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, यदि यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हुआ तो हम वहां पे उसका सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके सो चलो अभी दोनों एक ही ब्रैकेट में लेना है, 8 − 3 सेम लोकेशन में क्या है यहाँ पे 3, देन
माइनस फोर माइनस सेम पोजिशन पे यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस थ्री, देन ट्वेल्व माइनस सेम लोकेशन पे यहाँ पे कौन है फोर। ओके सो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट वन सेकेंड लेने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है यहाँ पे, बिकॉज वी आर सॉल्विंग दैट बोथ मैट्रिसेस इन अ सिंगल मैट्रिक्स फॉर्म, सो दैट्स व्हाई नो नीड टू टेक वंस अगेन कर्ली ब्रैकेट हियर। ओके सो नेक्स्ट रो फोर देन माइनस इट इज टू देन जीरो माइनस सेम पोजिशन पे यहाँ पे कौन है वन, देन एट माइनस सेम लोकेशन पे है यहाँ पे वन, सो इट इज अ सेकेंड रो। ओके देन सो इट इज एज इट इज नथिंग चेंज, सो आफ्टर दैट हम इसे मल्टीप्लाई करना है, देखेंगे बाद में क्या आता है यहाँ पे। सो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैट्रिक्स कंप्लीटली कर कंप्लीट करो। चलो एट माइनस थ्री वॉट विल आंसर हियर फाइव, माइनस वन प्लस फोर इट इज अ माइनस वन, ट्वेल्व फोर यहाँ पे क्या आएगा एट, फोर टू आता है टू, जीरो वन आता है माइनस वन, एट वन आता है सेवन। ओके आपको आता है कैलकुलेट कैसा करना है, सो नेक्स्ट वन वॉट विल हियर टू माइनस वन एंड वन। ओके डन, अभी देखो क्या करना है यहाँ पे, ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पे, सो दोनों का हमें मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई का रूल क्या है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे, देर आर थ्री कॉलम्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एंड हाउ मेनी रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, तो देर आर थ्री रोज टू माइनस वन एंड वन। ओके इफ कॉलम एंड रोज आर इक्वल दैट मोमेंट वी कैन मल्टीप्लाई हियर। ओके चलो अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, सो व्हाट विल द नेक्स्ट वन, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो रो में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर हियर, देर आर थ्री एलिमेंट्स वन टू थ्री, एंड देर आल्सो थ्री, कॉलम में कितने एलिमेंट्स है थ्री, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ उनका एडिशन भी कर सकते हैं। फाइंड टू क्या आता है यहाँ पे टेन प्लस सेकेंड, सेकेंड को मल्टीप्लाई करो माइनस इंटू माइनस वन प्लस वन, एंड एट इंटू वन क्या आता है एट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विथ हमने उसका एडिशन किया है। चलो मैं रिपीट बोलता हूँ यहाँ पे, फाइंड टू फर्स्ट फाइंड टू टेन प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन वन, एट इंटू वन एट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। चलो अभी फर्स्ट रो यहाँ पे सेकेंड कॉलम है क्या हमारे पास अवेलेबल, नहीं है, चलो अभी डालेंगे डायरेक्टली सेकेंड रो को, वही कंडीशन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, टू इंटू टू क्या आता है यहाँ पे फोर, माइनस इंटू माइनस वन क्या आता है प्लस वन, सेवन इंटू वन आ जाएगा सेवन। चलो देखेंगे अभी यहाँ पे क्या आता है फाइनल, व्हाट विल वी गेट हियर, सो ओके देन टेन वन एलेवन प्लस एट मीन्स नाइनटीन, ओके एंड देन यहाँ पे फोर फाइव सेवन ट्वेल्व, सो इसका टोटल क्या आएगा यहाँ पे ट्वेल्व इज इक्वल टू व्हाट विल एक्स एंड वाई। अभी देखो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल मीन्स क्या, यहाँ का दोनों का ऑर्डर सेम है टू बाय वन टू बाय वन, यदि दोनों का मैट्रिक्स ऑर्डर सेम होगा तो उस सिस्टम में हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू है 19 इक्वल टू यहाँ पे कौन है वेरिएबल x, इसका मतलब x का वैल्यू क्या है हमारे पास 19। ओके एंड देन 12 इज इक्वल टू सेम लोकेशन पे यहाँ पे कौन है y, इट्स मीन्स दैट व्हाट द वैल्यू ऑफ y इज 12। सो इस प्रकार हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। ओके इट बिलोंग्स टू 4 मार्क्स, ओके इसे हम इजीली 4 मार्क्स कह सकते हैं, तो इस प्रकार हम इसे कैलकुलेट करते हैं। ओके चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन इसी प्रकार का है। ओके सेम लुक लाइक दिस वन, इस प्रकार का है 40 नंबर का क्वेश्चन है। ओके आई थिंक सो आपने शायद किया होगा घर पे। ओके अभी कैसा है सब तरफ कॉलेजेस बंद है, ओके और आप इस वीडियो के जरिए जरिए आप बहुत सारा सीख रहे हैं घर पे बैठ के। ओके यदि कोई आपको कंफ्यूजन होगा तो एक वीडियो आप टू टाइम्स देख लो। ओके मुझे तो लगता है वन टाइम में आपको इजीली सब अंडरस्टैंड हो जाएगा क्योंकि पूरा यहाँ पे बेसिकली लिया है। सो देखते अभी क्या है नेक्स्ट वन इज दैट। ओके चलो ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे अभी। चलो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 14। ओके इट इज अ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड एक्स वाई जेड उन्होंने कहा है। ओके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी इसके पहले प्रीवियस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 में हमने एक्स और वाई के वैल्यू कैलकुलेट किया था, उसी प्रकार से हमें इसे भी कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट दैट कर्ली ब्रैकेट,
जो कर्ली ब्रैकेट में जो गिवन टू मैट्रिसेस उनने दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो कैलकुलेट करो, बाद में मल्टीप्लाई करना है और बाद में एंड में कंपेयर करना है विथ दिस मैट्रिक्स के साथ। ओके चलो, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैट्रिक्स के बाद जो नंबर है, इट इज अ स्केलर नंबर, कॉन्स्टेंट नंबर। ये नंबर से क्या करना है, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है इसे। सो 3 into 2 क्या हो आएगा यहाँ पे, 6, 3 into 0, 0, 3, 0, 0, 3 into 6, 3 into 6 एंड इट आल्सो 6। ओके हो गया, चलो देन माइनस। सो 4 से मल्टीप्लाई करो आप यहाँ पे, 4, 4 into 1, 4, 4 minus 1, -4, 4 to 8, 4 3, 12 एंड 4 1 क्या आएगा यहाँ पे, 4। इट इज अ कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे क्या है, 1, 2, इट इज अ 2 by 1 मैट्रिक्स एंड हियर आल्सो 3 by 1 मैट्रिक्स। सो -1, 2 है। ओके चलो, तो हमें यहाँ पे एक मार्क का एक स्टेप किया है, क्या किया है यहाँ पे, जो मैट्रिक्स के बाहर जो नंबर है उस नंबर से हमने क्या किया, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया है, सेम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है। चलो अभी देखो क्या है यहाँ पे। सो अभी देखो कर्ली ब्रैकेट में जो गिवन मैट्रिसेस है दोनों का ऑर्डर एक जैसा है, 3 by 2, 3 by 2। ओके तो यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। चलो, सो आई एम गिविंग अ सिंगल मैट्रिक्स, कर्ली ब्रैकेट लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके देन 6 माइनस सेम लोकेशन पे यहाँ पे कौन है, 4, देन आफ्टर दैट 0 माइनस सेम लोकेशन पे यहाँ पे 4। ओके नेक्स्ट वन सेकंड रो, 0 माइनस यहाँ पे है -4, देन 6 माइनस यहाँ पे है 8, देन 6 माइनस 12 एंड देन 6 माइनस 4। ओके सो यहाँ पे हमारा जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है वो वन सेकेंड वैसा ही लिखेंगे यहाँ पे, देन y माइनस 1 देन 2z। ओके देन सो इट विल बी। चलो अभी क्या करना है, सो 6 माइनस 4 मीन्स क्या होता है यहाँ पे, 2। 0 माइनस 4 क्या आ जाएगा यहाँ पे, -4, माइनस इन टू माइनस +4 आता है, 6 माइनस 8 आएगा -2, 6 माइनस 4 आएगा 2 एंड 6 माइनस 12 आएगा -6। इट इज योर मैट्रिक्स एंड इट विल बी 1 and 2 देन इक्वल टू, सो व्हाट विल हियर, x माइनस 3, y माइनस 1 एंड देन 2z। ओके चलो अभी उसके बाद क्या करना है, रो इनटू कॉलम का। ओके रो इनटू कॉलम करना है यहाँ पे, चलो अभी रो इनटू कॉलम करेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ओके अभी देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे सेकंड कॉलम तो नहीं है हमारे पास, तो वन बाय वन चलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग दैट हियर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, चलो यहाँ पे करता हूँ। ओके अपने पास जगह अभी भी बाकी है, चलो अभी क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, सो व्हाट विल, 2 into 1 देन 2 प्लस सेकंड, सेकंड को मल्टीप्लाई करो, -4 into 2 -8। ओके चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम है क्या यहाँ पे, हाँ होता तो हम आगे लिखते थे लेकिन नहीं है वहां पे। अभी देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 into 1 क्या होगा, 4, -2 into 2 क्या होगा, -4, देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -6 into 1 -6 एंड 2 into 2 क्या आता है यहाँ पे, 4। चलो सो व्हाट विल द हियर, सो x -3 y -1 एंड देन 2z। ओके अभी उसके बाद क्या करना है, देखो अभी यहाँ पे ये हो गया, चलो अभी इसका टोटल निकालते हैं, 2 plus -8 मीन्स क्या आता है यहाँ पे, -6 आ जाएगा। ओके देन सो नेक्स्ट वन, 4 minus 4 क्या आएगा यहाँ पे, 0 होगा, देन और यहाँ पे 6 4 कितना होगा, -2, -6 4 2 2। और सो चलो अभी यहाँ पे लिखो, x -3 y -1 एंड देन 2z। ओके चलो अभी फाइनली हमें ये दो मैट्रिसेस मिले यहाँ पे, इसका ऑर्डर कितना है, 3 by 1 और 3 by 1, ऑर्डर दोनों का सेम है। यदि यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो वहां पे हम कंपेयर कर सकते हैं। सो देन सो इट इज अ -6 इक्वल टू सेम लोकेशन पे यहाँ पे कौन है, x -3। वंस अगेन चलो इसको सीधा करो, x -3 इज इक्वल टू -6। ओके अभी उसके बाद क्या है, ये हमारा -6, -3 उधर जाके क्या होता है, +3। सो देन -6 + 3 व्हाट विल द आंसर हियर, -3। सो दिस इज द आंसर ऑफ x। ओके चलो x हो गया, चलो अभी नेक्स्ट लेंगे, अभी सेकंड वाला, यहाँ पे कौन है सेकंड पे, 0 इक्वल टू सेम लोकेशन पे यहाँ पे कौन है, y -1। चलो इसको सीधा करो, ओके हो गया, चलो माइनस उधर क्या होगा, +1, चलो इट इज अ वैल्यू ऑफ y,
ए भी हो गया, अभी देखना है क्लास में क्या आता है. सो व्हाट इज द लास्ट वन. ओके देन माइनस टू इज इक्वल टू सेम लोकेशन पे यहाँ पे कौन है टू जेड. चलो इसको सीधा करो, टू जेड इज इक्वल टू माइनस टू, ये इधर उधर लिखा मैंने. सो जेड इज इक्वल टू माइनस टू डिवाइड बाय टू, मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा, टू टू गेट कैंसल, यहाँ पे क्या होगा वन. सो जेड इक्वल टू व्हाट विल आंसर गेट माइनस वन. ओके सो इस तरीके से हम यहाँ पे एक्स वाई जेड के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके सो ठंडे दिमाग से सॉल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल कर्ली ब्रैकेट में क्या दिया है, आखिर में क्या करना है. ओके सो स्केलर नंबर जो बाहर होता है मैट्रिक्स के बाहर, लुक लाइक दैट वन, लुक लाइक दैट वन, ये नंबर से क्या करना है गिवन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, गिवन नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है. ओनली फोर नॉट अ माइनस, माइनस एज इट इज, व्हाई बिकॉज इट इज अ सब्स्ट्रैक्शन साइन. ओके बाय. सो उसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट टू मैट्रिसेस है, दोनों मैट्रिक्स का सब्स्ट्रैक्शन रूल फॉलो करना है, दैट इज हमें आंसर मिला यहाँ पे. ओके बाद में दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में है, रो इनटू कॉलम का रूल अप्लाई करना है, बाद में ऐसा आपको मिल जाएगा. फिर उसके बाद दोनों को कंपेयर करना है, कंपेयर करो उस लोकेशन, लोकेशन टू लोकेशन आप कंपेयर करोगे तो आपको ऐसा आंसर मिल सकता है. ओके सो इट इज अ क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है. सो अभी लास्ट क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है, लेकिन बाकी है लेकिन अभी लेना है. ओके इसी लेक्चर में लेना है. ओके सो क्वेश्चन नंबर 15. सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 15, जस्ट वेट. चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 इज लुक लाइक दिस वन, इट इज क्वेश्चन 15. सो व्हाट इज द क्वेश्चन 15 दैट जे एंड राम आर टू फ्रेंड्स. सो हियर देयर आर टू फ्रेंड्स जे एंड राम. सो यहाँ पे जे वांट्स टू बाय 4 पेन्स एंड 8 नोटबुक्स. सो जे कितना पेन खरीदता है यहाँ पे, उसको इच्छा है कि खरीदने की 4 पेन और 8 नोटबुक वहां उसे खरीदना है. ओके जे क्या करता है यहाँ पे, जे वांट्स कितना 4 पेन एंड 8 नोटबुक. ओके उसके बाद राम भी खरीदता है, दो फ्रेंड है ना तो दोनों को भी लगेगा. सो राम वांट्स टू बाय, कौन राम वांट्स टू बाय 5 पेन्स एंड 12 नोटबुक्स. ओके एंड उसके बाद में जो पेन और नोटबुक वो खरीद रहे हैं उसका प्राइस भी उन्होंने दिया है. सो द प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 1 नोटबुक. सो क्या है, पेन का प्राइस है 6 रुपीज एंड नोटबुक का प्राइस है 10 रुपीज रिस्पेक्टिवली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पेन दिया है, सो दैट्स व्हाई दिस अमाउंट इज बिलोंग्स टू पेन. एंड सेकेंड नोटबुक दिया है, इसका मतलब यहाँ पे 10 अमाउंट विल बिलोंग्स टू नोटबुक. ओके सो फाइनली व्हाट दे वांट, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन फाइंड द अमाउंट ईच वन ऑफ देम रिक्वायर्ड फॉर बाइंग द पेन्स एंड नोटबुक्स. तो दोनों को कितने रुपीज लगा है वहां पे पेन और नोटबुक खरीदने के लिए. हाँ हम डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हो, वैसी कुछ बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या यूज करना है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करके निकालना है. ओके चलो अभी देखते हैं. सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, दो मैट्रिसेस कंसीडर किया है. ए मींस दैट द मैट्रिक्स ऑफ पेन्स एंड नोटबुक्स, जो राम और जय ने जो पेन और नोटबुक खरीदा है उसके लिए मैंने ए मैट्रिक्स कंसीडर किया है, और जो नोटबुक और पेन का प्राइस है, प्राइस मनी मनी, ओके प्राइस, उसके लिए मैंने बी कंसीडर किया है. सो व्हाट विल हियर बी बी द मैट्रिक्स ऑफ प्राइसेस ऑफ 1 पेन एंड 1 नोटबुक के लिए. चलो अभी देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स कैसा होगा. सो ए इज इक्वल टू, सो हमने यहाँ पे क्या किया है, पेन और नोटबुक का है ना, पेन और नोटबुक. चलो मैं थोड़ा सा लिखता हूं यहाँ पे पेन और नोटबुक. अभी पेन, ओके सो यहाँ पे एक होगा अपना कौन, जय था, जय है, और दूसरा है हमारा आराम. ओके अभी देखो देखो चलो क्या है. सो जय, जय कितना पेन खरीदता है यहाँ पे, 4 पेन और 8 नोटबुक. सो राइट डाउन हियर 4 पेन एंड 8 नोटबुक जय का, और राम का कितना है 5 और 12. सो 5 पेन्स एंड 12 नोटबुक. सो ए होगा हमारा कौन सा मैट्रिक्स, इट इज अ ए मैट्रिक्स, 5 8 5 12, इट इज अ ए मैट्रिक्स. आफ्टर दैट चलो बी मैट्रिक्स देखेंगे क्या है. ओके बी मैट्रिक्स किसके लिए है, प्राइस के लिए है, किसके लिए, प्राइस के लिए, और उसमें पेन और नोटबुक का ही मामला है. ओके चलो एक लेते हैं पेन के लिए, दूसरा होगा सॉरी इट इज अ नोटबुक के लिए. ओके चलो अभी क्या होगा, पेन कहाँ गया, पेन का प्राइस, व्हाट इज द पेन प्राइस, इज अ 6 एंड नोटबुक प्राइस कितना है 10. सो हमें दो मैट्रिसेस यहाँ पे मिला है, तो हमें टोटल अमाउंट निकालना है बाय यूजिंग मल्टीप्लीकेशन रूल. ओके तो यहाँ पे निकाल सकते हैं टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ईच वन ऑफ देम. सो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे द
टोटल अमाउंट ऑफ क्यों रिक्वायर्ड फॉर ईच वन ऑफ रिक्वायर्ड फॉर ईच वन ऑफ ओके ईच वन ऑफ मीन्स क्या होगा, जो हर एक का हमें क्या निकाला, प्राइस निकालना है। मीन्स जय और राम को कितने पैसे लगे वो खरीदने के लिए, वन ऑफ देम ओके इज ऑप्टेन्ड बाय मैट्रिक्स ए बी। ओके जो मैट्रिक्स ए बी का आंसर आ जाएगा तो हम उसे निकाल देंगे। चलो अभी देखें क्या होगा, ऑप्टेन्ड बाय मैट्रिक्स ए बी। चलो अभी हम यहाँ पे ए बी कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स, व्हाट इज द ए मैट्रिक्स हियर, 4, 8, 5 and 12 एंड व्हाट इज द बी मैट्रिक्स, 6 and 10। चलो अभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 into 6 कितना आता है यहाँ पे, 24। देन 8 into 10 व्हाट विल हियर, 80। ओके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अभी क्या करना है पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 into 6 कितना आता है यहाँ पे, 30। और 10 into 12 कितना आता है, 120। सो फाइनली व्हाट विल वी गेट आंसर हियर, 82104 और यहाँ पे कितना आएगा, 150 रुपीज आएगा। इसका मतलब जो पहला पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पे, जय। तो जय को कितने रुपीज लगेंगे, 104 रुपीज लगेंगे। किस लिए, और 4 pens और 8 notebook खरीदने के लिए जय को 104 रुपए लगेंगे और 150 रुपीज किसको लगेंगे, राम को। ओके सो यहाँ पे फाइनली हम लिख सकते हैं, जय नीड्स हाउ मच रुपीज, 104 रुपीज एंड राम नीड्स हाउ मच रुपीज, 150 रुपीज। ओके सो इतना अमाउंट उन दोनों का दोनों को लगेगा। ओके चलो सो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 50, बहुत इजी है। राम और जय में दोनों में कंपटीशन था कुछ खरीदने के लिए। जय कुछ तो खरीदता है नोटबुक और पेन, राम भी वो लेता है, लेकिन दोनों नोटबुक और पेन का सिंगल प्राइस वो भी दिया था। पेन का प्राइस था 6 रुपीज और नोटबुक का प्राइस था 10 रुपीज। तो जो प्राइस है उसके लिए हमने बी कंसिडर किया था और हमने यहाँ पे बी मैट्रिक्स वहां पे लिखा। और जो पेन और नोटबुक दो बच्चों ने खरीदा था, जय और राम ने, उसके लिए हमने ए मैट्रिक्स लिया था और उसको हमने कैलकुलेट किया। सो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। सो वी डिड हियर ए बी, सो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ तो आंसर मिलेगा। 104 रुपए कौन जय को लगता है और राम को कितना लगता है, 150 रुपीज। ओके वो खरीदने के लिए। चलो तो इट इज अ क्वेश्चन नंबर 15। तो इस तरह से हमारा जो 2.3 एक्सरसाइज था वो खत्म हुआ है। अभी नेक्स्ट बीट जो है वो, दैट इज व्हाट इज द नेक्स्ट बीट हमारा जो ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मींस रो को कॉलम करना है, कॉलम को रो, कौन सा भी आप कर सकते हैं। इंटरचेंजिंग करना है ट्रांसपोज, उसे हम ट्रांसपोज, ट्रांस मींस चेंज करना, पोज दूसरे पोज में उसे चेंज करना है। सो इट इज अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में, इट इज अ क्वेश्चन लेक्चर नंबर 20 है। सो लेक्चर 21 में हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स सीखेंगे। ओके उसके कुछ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है वो भी हम वहां पे देखेंगे और डायरेक्टली हम 2.4 भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही काफी है, इट्स टुडे फॉर इनफ। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट बिट होगा। चलो बाय एवरीवन। ओके चलो।